दोस्तों आज हम अपकमिंग मारुति अल्टो K10 में आपको क्या बूट स्पेस देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो अगर पुरानी मॉडल या फिर करेंट मॉडल की बात करें, मतलब पुरानी अल्टो K10 या फिर करेंट जेनरेशन मारुति अल्टो 800 की बात करें, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 177 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है आज के दिन में। पहले 10 साल या फिर 20 साल पहले ये प्रैक्टिकल था, लेकिन अब ये उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत ज़्यादा सामान आप लोग कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बूट स्पेस। तो इसीलिए मारुति ने मारुति एस्पेसो जब लॉन्च करी थी, तो कार कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी कार में आपको काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस क्लेम करी जाती थी, जो कि थी 270 लीटर की। तो इसी तरह मारुति अल्टो K10 भी हार्टेक प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, जिस पर मारुति एस्पेसो को बनाया गया है। लेंथ डायमेंशंस ऑलमोस्ट इक्वली है दोनों ही गाड़ियों में, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है आपको नई वाली अल्टो K10 में 260 से लेकर 270 के बीच बूट स्पेस देखने को मिलेगी। तो ये बूट स्पेस अगर इस कार में आ जाती है तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, आप बहुत सारे सामान वगैरह इस कार में कैरी कर पाओगे और ये बूट स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट अपडेट मारुति अल्टो K10 के बूट स्पेस से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।